खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। लघु सिंचाई योजना से दिए जाते किसान मन ल नलकूप अनुदान। मछली पालन तालाब म जली वनस्पति के नियंत्रण के तकनीक। पत्ता गोभी के सौरव अगेती वैरायटी और सेमी के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवतरित है और ये बदलाव मन ला किसान मन हा अपना के फायदा उठा सकते है। सिंचाई के क्षेत्र में बढ़ोतरी करे के उद्देश्य ले राज्य सरकार को तिले लघु सिंचाई योजना चलाए जाते। ये योजना में नलकूप में अनुदान दिए जाते। ये योजना में वैसे तो सभी श्रेणी के किसान मन शामिल हो सकते है, लेकिन लघु सीमांत अनुसूचित जाति जनजाति और महिला किसान मन ला प्राथमिकता दिए जाते। ये योजना के अनुसार विभाग को तिले लक्ष्य बना के स्वीकृत प्रकरण ला अनुदान दिए जाते। एकर अलावा नलकूप में पंप प्रतिस्थापन पर खर्चा के 50% तक के अनुदान घलो दिए जाते। ये प्रकार से लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत नलकूप निर्माण करके किसान मन अपन सिंचाई के जरूरत के पूर्ति कर सकते है और अपन खेती ला बने ढंग ले करके देश और समाज के सेवा कर सकते है। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में उमला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकते है। मछली पालन वाला तालाब में जलीय वनस्पति हो ले मछली उत्पादन ला नुकसान पहुंचते। काबर के जलीय वनस्पति के कारण सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन के आपूर्ति में रुकावट पैदा होते। एकर अलावा मछली मन के रहे के जगह ला वनस्पति हा घेर लेते। ये समस्या के नियंत्रण पर तालाब में समय समय में जाल डाल के वनस्पति ला निकालते रहना चाहिए। एकर अलावा कुछ रसायन के छिड़काव करके घलो वनस्पति के नियंत्रण करे जा सकते है। ये प्रकार से वनस्पति नियंत्रण ले तालाब में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होते। अब खेती से संबंधित खास खबर। वन भूमि अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रदेश के सुदूर अंचल में रहिया 2.16 लाख वनवासी ला अधिकार पत्र दे जाही। साल 2012-13 में शेष 1 लाख हितग्राही ला निशुल्क धान बीज एवं उर्वरक के मिनी किट दे जाही, जेकर पर 12.40 करोड़ के प्रावधान हावय। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय श्रम और लागत तीनों के बचत होते। इंदिरा सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है, बुआई का है जिसमें बीज और खाद जो है एक साथ हम इसमें लगा सकते हैं और इस यंत्र का जो कीमत है 6,720 रुपये है और अनुदान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसमें 50% दिया जा रहा है। इस प्रकार कृषक को यह 3,360 रुपये में मिलेगा और इसकी कार्य क्षमता देख रहे हैं आप 1 एकड़ प्रतिदिन है। नई किस्में नवा नवा किस्म अपनाए ले नवा नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। पत्ता गोभी के व्यावसायिक खेती करे बर एक उन्नत किस्म है सौरव अगेती, जौन हा वर्षा और ताप के प्रति सहनशील होते। सौरव किस्म के पत्ता गोभी हा बोआई के बाद लगभग 50 दिन में तैयार हो जाते। ये किस्म के पत्ता गोभी मन नीला हरा रंग के फूल ज्यादा ठोस और ज्यादा बड़े होते। एक एक पत्ता गोभी के वजन 1 किलो के लगभग होते। ये प्रकार से सौरव किस्म के गोभी हा ज्यादा उत्पादन देवैया किस्म आए। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन हा धान और गेहूं के फसल के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करत हावय और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हावय। ऐसन है ग्राम केचुआ के किसान अजय भैया हा अपन 1 एकड़ के खेत में सेमी के सब्जी उन्नत तरीका ले करत हावय। जानकारी देवत भैया हा बताते कि सेमी के खेती में उला निंदाई कोड़ाई सिंचाई बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में लगभग 15,000 से 20,000 रुपये के खर्चा आए हावय। अब उला अनुमान है कि अपन उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 40,000 से 45,000 रुपये तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और वह मन उन्नत तरीका ले खेती लगा के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकत है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार। नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है।
आव देखो हमर प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान फल और सब्जी मन के का भाव है। आज मनेन्द्रगढ़ कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1,080 रुपया और अधिकतम 1,455 रुपया प्रति क्विंटल। आज जगदलपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1,113 रुपया और अधिकतम 1,318 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोंडागांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1,075 रुपया और अधिकतम 1,710 रुपया प्रति क्विंटल। आज केसकाल कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1,118 रुपया और अधिकतम 1,665 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में आलू के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करिया व्यापारी मन बताते कि थोक में एकर भाव 8 ले 10 रुपया है, उहे चिल्हर में 12 ले 15 रुपया किलो में बिकत हावे। अब बारी है मंडी समीक्षा के। आज मनेन्द्रगढ़ कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज जगदलपुर कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ला भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ला भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ला भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोंडागांव कृषि उपज मंडी में धान पतला ला भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाए और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा कर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ क्या करूँ? हाँ मैं ऐसे ही करूँगा। हाँ अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी जी जी। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी।
किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कार्यक्रम के दिखाइया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी मन के स्वागत है, जय जोहार है। संगी हो गाय पालन कतेक बड़े बात आए, एक हर बारे में तो तुमन हस सोच के ही सोची है, तत्किन तुम्हार मन के जो दिमाग है तेन घूम जी इसी वाली बात आए। काबर की गौ पालन से हमारा गोबर अलग मिलते, बछड़ा अलग मिलते, दूध अलग मिलते, और लेकिन का करते हमारे छत्तीसगढ़ के आदमी मन गाय ला लान देन बांध देन थोकिन पैरा भूसा डाल देन और तहाल भाई के पानी ठीक है कि नहीं है, कोठा ठीक है, कुछ चीज़ का ध्यान नहीं रखन जेकर से हमारा सही दूध के उत्पादन नहीं मिल सके। हमारे छत्तीसगढ़ में भी कई किसान भाई मन बहुत सुंदर गौ पालन करत हमें, तो गौ पालन करे बर सबसे पहली सेट कैसे बनाया जाए, कोठा कैसे हो, उमा पानी की निकासी कैसे हो, ओकर साफ सफाई के ध्यान कैसे रखे जाए, और संगे संग में छत्तीसगढ़ भर कौन सा प्रकार के जो नस्ल है तेना बहुत बढ़िया है। काबर की हर प्रकार के नस्ल के जो चीज है तेन हर जगह नहीं पल सके, काबर के जलवायु और वातावरण अलग अलग थे, तो संगी हो छत्तीसगढ़ के जो जलवायु वातावरण है तेखर हिसाब से कौन प्रकार के नस्ल बहुत अच्छा हो सकत है, आओ पहले ले जान लेते। गोपालन के लिए सबसे पहली और अहम बात यह होती है कि गोपालक ने कौन सी नस्ल का चयन किया है। उन्नत नस्ल की गौएं न सिर्फ दुग्ध उत्पादन को लेकर लाभकारी होती हैं बल्कि उनसे प्राप्त बैल भी बलशाली और अधिक काम करने वाले होते हैं। पशुपालन में नस्ल सुधार को पर्याप्त महत्ता दी जानी चाहिए। अपने डेयरी या खलिहानों के पशुओं का नस्ल सुधार से हमारी माली हालत सुधरती है। देसी या फिर कमतर आर्थिक लाभ देने वाले पशुओं में देखा तो ये गया है कि उनके पालन पोषण में व्यय अधिकतम होता है। हमारे गांव कस्बों और शहरों के वे गोपालक जो व्यवसायिक तौर पर डेयरी चलाते हैं वे उन्नत नस्ल के पशुओं से अपने व्यवसाय को अच्छी बढ़त दे सकते हैं। कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया नस्ल सुधारने में सबसे ज्यादा सहायक साबित होती है। कृत्रिम गर्भाधान के जरिए नस्ल के सुधार में नस्ल का चुनाव वो गंभीर मुद्दा होता है जिस पर एक गोपालक का भविष्य टिका होता है। इस बात को लेकर आधुनिक विचारों के गोपालक पूरी तरह से चौकस हैं और इसका नतीजा समूचे छत्तीसगढ़ को आने वाले कुछ वर्षों में देखने को भी मिल जाएगा। विशेषज्ञों और पशु चिकित्सकों की राय लेने वाले पशुपालकों को ये राय भी मिल जाया करती है कि क्षेत्र विशेष के लिए कौन सा नस्ल उत्तम होगा। इतना ही नहीं, जानकारों से और भी बहुत कुछ जानने सीखने को मिला करता है। मसलन गर्भवती गौओं की देखभाल किस तरह की जानी चाहिए, पैदा होने वाले बछड़े को किस तरह की सुरक्षा दी जानी चाहिए और उसके लिए क्या बेहतर होता है वगैरह। हमारे यहाँ अभी नस्ल जो है अपना देसी में शाहीवाल है, गीर है, ये दोनों भी पशु अच्छा है और अपने छत्तीसगढ़ के हिसाब से इसमें बिल्कुल मतलब वातावरण बिल्कुल इसके लायक है और इसमें दूध की देने की क्षमता बढ़िया है और आपका 8-10 लीटर दूध मिल जाता है इसमें और जो दूध का इसमें गाढ़ापन रहता है, फैट ज़्यादा रहता है दूध में, तो मैं तो सलाह दूंगा कि गीर और शाहीवाल में आप ध्यान दीजिए। और उसके ऊपर में तो होस्टियन फ्रीजियन का है जो कि अपने को जर्सी भी बोलते हैं, उसमें दूध ज़्यादा मिलेगा लेकिन थोड़ा रख रखाव ज़्यादा करना पड़ता है। मैं आपको बता दूँ कि सेट के बारे में कि हवादार होना चाहिए सेट, और जैसे गाय भैंस खड़ी है उसके पीछे कम से कम 4 फीट जगह रहना चाहिए, 4 फीट जगह रहना चाहिए और ऊपर कम से कम 15 फीट रहना चाहिए सेट, जिससे और बनाते समय उसमें थोड़ा जाली लगवाएं दीवार में कि हवा इधर से उधर पार होते रहे।
संगी हो कहे गए है कि जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे फिरका और जैसे जैसे दाई दादा तैसे तैसे लईका और वो इसने जैसे जैसे आहार वो इसने दूध के उत्पादन। अगर हमार आहार कमजोर हो ही तो मन जानबे करत हो कि कोनो चीज के को आहार कमजोर हो गए तो मान के चलो कोनो प्रकार के जो विकास है तेना नहीं हो सके। तो गाय पर अच्छा दूध ले बर गाय से बहुत बढ़िया दूध ले के लिए हमन ला आहार के प्रबंधन कैसे करना चाहिए, आहार ला कौन कौन प्रकार के आहार दिया जाए, कतका मात्रा में दिया जाए, गाय है जब दूध देता रहे तीन समय में कितना आहार होना चाहिए, जब वो गाभिन रहे तब कौन प्रकार के आहार रहे और खाली रहे तब कौन प्रकार के आहार रहे और आहार के दे के सबसे बढ़िया विधि का हो सकत है और सबसे पहले ला जानते। हमारे राज्य में बहुत से पशुपालकों ने आधुनिकता को अपना कर अपने लाभ को कई तरह से बढ़ाया है। आधुनिकता हमें अच्छा प्रबंधन सिखाती है और अच्छा प्रबंधन लाभ की दिशा दिखाती है। अपने पशुधन को होने वाले और हो सकने वाली तमाम बीमारियों और रोगों से बचाव करते हुए अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा और ऊंचा उठाना हर पशुपालक का न सिर्फ कर्तव्य होता है अपितु अधिकार भी। इसके लिए दो बातों का होना अति आवश्यक है, एक तो जानकारी और दूसरी जागरूकता। पशुओं का आहार, उसके भार, स्वास्थ्य और दूध देने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए अगर दिया जाए तो वे गायें जिससे दुग्ध उत्पादन की क्षमता का अभाव है और जो गोपालकों के लिए असमृद्धि कारक हैं उसे भी अधिक से अधिक दूध देने वाली गाय के रूप में परिणित किया जा सकता है। दिए जाने वाले आहार की मात्रा का निर्धारण जानकारों ने इस तरह से किया है कि पशु को तंदुरुस्ती के लिए 2 किलो दूध उत्पादन के लिए प्रति लीटर दूध उत्पादन के मान से 400 ग्राम संतुलित पशु आहार खिलाना चाहिए। इसके अलावा हमारे गोधन के आहार में सूखा चारा, हरा चारा, मिनरल मिक्सचर वगैरह का मिश्रण होना चाहिए जो कि संतुलित आहार कहलाता है। हरे चारे के रूप में खरीफ में चरी, लाबिया, मक्का, ज्वार और रबी में बरसिम, चरी, रिचका, जई वगैरह खिलाया जाना चाहिए। साधारणतया एक साधारण गौ को प्रतिदिन 15 किलो हरा चारा, 5 किलो सूखा चारा, 5 किलो दाना, 30 ग्राम मिनरल मिक्सचर और 30 ग्राम नमक खिलाया जाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान आहार की मात्रा में 20% की वृद्धि कर देनी चाहिए। हरे चारे के रूप में सुबुबुल, सिस्बेनिया, खड़िक, क्वेराल, शहतूत वगैरह के पेड़ों की पत्तियां भी खिलाई जा सकें तो बेहतर है। धान के पैरा को यूरिया के साथ उपचारित करके इसे अधिक पोषक और रुचिकर बनाया जा सकता है। पैरा का इस तरह से यूरिया उपचार करना एक पशुपालक को आना चाहिए। आप जितना अच्छा आहार देंगे आपका पशु उतना ही दूध देने की क्षमता होगी, समय में हीट में आएगी और गाभन हो जाएगी, इससे आपको किसी प्रकार के नुकसान नहीं होगा, आप समय में फायदा ही उठाएंगे, लाभ ही लाभ होगा। तो मैं चाहता हूं कि आपको पशु आहार है हरा चारा अगर मिले तो सबसे अच्छा है, अगर हरा चारा अगर नहीं मिल पा रहा है तो पैरा कुट्टी है, गेहूँ का कुट्टी है ये दीजिए, और दाना अपने को पशु जो है उसको दूध के हिसाब से दिया जाता है, 10 लीटर अगर दूध की गाय है तो उसको 8 लीटर कम से कम पशु आहार मिलना चाहिए, 20 किलो सूखा मिलना चाहिए, 10 किलो सुबह, 10 किलो शाम और 10 से 15 किलो अपना हरा भी मिलना चाहिए। अगर हरा का व्यवस्था है तो बहुत ही अच्छा है। और कि अगर कोई पैरा है या कुट्टी है उसमें अपन थोड़ा सा यूरिया छीट दें, आपका 1 क्विंटल में 4 किलो यूरिया मात्र घोल बना के अपन उसमें छिड़काव कर दें और पॉलीथीन में 21 दिन तक ढक के रख दें उसको, और उसके बाद अगर खिलाएं उसको 21 दिन के बाद ढक के रख दिए, हवा मत मिले उसको 21 दिन का वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है और पौष्टिक होता है। हाँ, एक अपना आहार है अजोला, हरा काई है, टंकी बना देते हैं हम 8x8 की, उसमें 1 फीट गहरा करके थोड़ा सा मिट्टी और गोबर डाल के उसमें पानी भर देते हैं, और इसका भी हमको जो कल्चर है वो हमारे विभाग द्वारा समय समय पर दिया जाता है, उसको अगर उसमें डाल दें कल्चर तो वो पूरा फैल जाता है
और उसको निकाल के खिलाते रहिए, बिना पैसे बिना खर्चे का ये आहार है। किसान भाई बहनी हो, हम गाय गरुवल बढ़िया आहार दें, सुंदर कोठा बनाएं, बढ़िया नस्ल लाएं और सुंदर खवा पिया मजबूत तैयार रखे हैं, लेकिन कहूँ वाला बीमारी हो गए तो मान के चलो तुम्हारे सबो दूधों नुकसान हो सकत है और गाय गरुआ घलो नुकसान हो सकत है। तो जौन जौन प्रकार की बीमारी लगभग आदमी मन लगते हैं वैसे कई प्रकार की बीमारी गाय गरुआ मन घलो लगते संगवारी हो, तो ये जानिन कि गाय गरुआ मन कौन कौन से बीमारी लगे के संभावना रही थे, कौन कौन मौसम में लगे के संभावना रही थे और ये सब बीमारी से अगर हो जाए तब कैसे बाँचे जाए। नियमित और निर्धारित टीकाकरण और चिकित्सा के माध्यम से अपने गौओं को खुरपका, मुंहपका, गलघोटू, लंगड़िया बुखार ऐसी बीमारियों से बचाया जा सकता है। दुधारू पशुओं में होने वाला थनेला रोग से बचाने के लिए पशुपालकों को चाहिए कि वे गुनगुने पानी से अयन की सफाई करते रहें और लगातार दुग्ध परीक्षण करवाते रहें। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि आसपास के वातावरण को स्वस्थ कैसे बनाए रखें। पशुपालन का काम और भी फायदेकारक हो सकता है यदि इस बात का ध्यान रखा जाए कि हमारे पशुधन को पुष्टता किस तरह से दी जानी चाहिए। पशुपालकों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पशु गृहों को किस प्रकार से व्यवस्थित रखा जाना चाहिए। आइए इस बारे में भी कुछ चर्चा कर लें। किसी भी पशु घर में हवा और प्रकाश का आवागमन निर्बाध होना चाहिए, क्योंकि हवा के लिए पर्याप्त स्थान न रखा गया तो वहाँ हवा जल्दी ही दूषित हो जाती है। खराब वेंटिलेशन का दुष्प्रभाव पशुओं में इस तरह से देखा जा सकता है कि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, क्षय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, उनकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, नवजात बछड़ों में मृत्यु दर बढ़ जाती है, पशुओं के भूख में कमी हो जाती है, पशु सुस्त हो जाते हैं, अपच के शिकार हो जाते हैं, उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। पशु रहने के स्थान पर हवा और शुद्ध पानी स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है। पशु आवास की हवा शरीर की गर्मी से गर्म हो जाती है, इसलिए भवन में छत के पास रोशनदान लगाना आवश्यक है ताकि शरीर में सांस द्वारा निकली कार्बन डाइऑक्साइड कमरे से बाहर निकल सके। पशुओं के रहने के स्थान पर शुद्ध और ताज़ी हवा आने के लिए खिड़की उनके सिर की ऊंचाई पर बनाना ठीक रहता है। आधुनिकता को अपनाते हुए यदि गोपालन का काम किया जाए तो ये एक बहुत ही लाभ देने वाला व्यवसाय साबित होता है। किसान भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ टीकाकरण के लिए, ये जो कि बहुत ही ज़रूरी है, बरसात के पहले भी जून में गलघोटू एकटंगिया का टीका और क्षय रोग का टीका लगाना चाहिए, और खुरहा का टीका अपने को साल में दो बार लगाना चाहिए, एक अक्टूबर नवंबर में लगाओ, एक अभी मार्च में लगना चाहिए, छः महीने के अंतराल में दो बार टीका लगना चाहिए पशुओं को। मझनिया संजौती के मेरा खड़े रे बिनतिया कचार, हरी मझनिया संजौती के मेरा खड़े रे बिनतिया कचार, आगे सुना हूँ तुला माया की बसुरिया जी मेरे मोला बने, आगे सुना हूँ तुला माया की बसुरिया जी मेरे मोला बने। मन मुहादी अरे सूरा मिलवा आगे सुना दे बसुरिया।
तो संगी हो यही विधि से तू मन गौ के पालन करो, कोठा बढ़िया रखो, नस्ल अच्छा रखो, रोग राय के ध्यान रखो, आहार के ध्यान रखो, तू मन ला कस के दूध मिली संगी हो। तो आज के जानकारी में सतका, आने दिन में एक फिर नवा जानकारी लेके आवो, तब तक बर जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार। एक इंच जगह जी, एक पैर रखे की जगह खाली नहीं है। उदाहरण के लिए सड़क है जी, सड़क जत की चौड़ा होते होते बाही में पाई के थे हम छत्तीसगढ़ी में जी, पाई 6 फुट के है, वो 7वां फुट में या तो किसान है कुछ लगा दी है उमेर, अच्छा, और नहीं थे सरकार हा नेपियर घास लगा के किसान ला सौंप दीस, जे गौ पालन करतो भाई जी, ये घास ला काट के ले जाओ जी, जी। और केला से लेकर और बहुत फल फूल समस्त जगह लगा के जी, वहाँ सरकार ये देखाइस जी, जी। हमारे एक इंच जगह खाली नहीं है। विशेषदास जी आप हमारे स्टूडियो में आए, साहू सर आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, हमें उम्मीद है हमारे किसान भाई इसे जरूर लाभ लेंगे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों इस उपयोगी जानकारी से जरूर लाभ उठाएं, नया विषय और नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।